किडनी मरीजों में क्रेटिनाइन का बढ़ना एक कॉमन समस्या है, इसलिए किडनी मरीज अपने क्रेटिनाइन लेवल को लेकर हमेशा ही चिंतित रहते हैं। उन्हें हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं वे जिस फूड को खा रहे हैं कहीं उन्हें खाने से उनका क्रेटिनाइन लेवल इंक्रीज ना हो जाए। किडनी मरीजों को इसकी चिंता दूर करने के लिए आज हम कुछ बेहतरीन फूड्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिन्हें खाकर ना सिर्फ क्रेटिनाइन लेवल को बढ़ने से रोका जा सकता है बल्कि इन फूड्स के सेवन से किडनी की परेशानी में भी राहत पाई जा सकती है। तो चलिए जानते हैं आखिर वे कौन से फूड्स हैं जो आपके क्रेटिनाइन लेवल को कंट्रोल में रखने का काम करते हैं। तो अगर आप क्रेटिनाइन लेवल को कंट्रोल रखना चाहते हैं तो आपको अपनी डाइट में फाइबर से भरपूर सब्जियों को शामिल करना ही होगा। आप सब्जियों में तोरी, टिंडा, परवल, करेला, हरी शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, मूली, कद्दू और लौकी जैसी सब्जियों को खा सकते हैं। ये सभी सब्जियां फाइबर से भरपूर होती हैं जो आपके क्रेटिनाइन लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकती हैं। इसके अलावा आप अपने क्रेटिनाइन लेवल को कम करने के लिए कुछ फलों का भी सेवन कर सकते हैं जैसे कि सेब, नाशपाती, अनानास, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, रेसबेरी और पपीता। ये कुछ ऐसे फल हैं जो आपके क्रेटिनाइन लेवल को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आप किडनी की बीमारी में किसी भी फल को दिन भर में से 100 ग्राम से ज़्यादा बिल्कुल भी ना खाएं और इनमें से किसी भी फल को खाने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। इसके अलावा आप अपने क्रेटिनाइन लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए सरसों तेल और ऑलिव ऑयल का भी सेवन कर सकते हैं। ये दोनों ऑयल एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुणों से भरपूर होते हैं जो आपके क्रेटिनाइन लेवल को कंट्रोल में रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये हैं कुछ ऐसे फूड्स जिन्हें आप डॉक्टर की सलाह से कंज्यूम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें।